और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के हमीदपुरा से भोपाल के लिए यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी प्रदेश स्तरीय आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। गुरुवार दोपहर 2 बजे हमीदपुरा से बसों में सवार होकर भोपाल के लिए यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी रवाना हुए। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव देवेश्वर सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भोपाल में हम 30 अगस्त को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास का घेराव करेंगे और उनसे उनके द्वारा किए गए 10 वादों का जवाब लेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सत्ता के नशे में चूर भाजपा सरकार ने जो चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, उस वादा खिलाफी के अगेंस्ट में आज हम भोपाल जा रहे हैं। वहाँ मुख्यमंत्री साहब से हम प्रश्न पूछने जा रहे हैं 10 कि किसानों की अपने उपज की न्यूनतम राशि कब मिलेगी, नरसिंह घोटाले के दोषियों को सजा कब होगी, आप अपने ये स्कॉलरशिप जो नरसिंह घोटाले के बच्चे मतलब जिससे पीड़ित बच्चे थे इनको स्कॉलरशिप के पैसे कब मिलेंगे, नीट के घोटाले के बाद अब नीट के बच्चों के लिए आपने क्या नई प्रावधान किए हैं, क्या नई सुविधा की है, और ये जो युवाओं को आज एक गड्ढे में डाल के रखा है सरकार ने जो अपने वादा खिलाफी की है उसी के खिलाफ हम आज घेराव करने जा रहे हैं भोपाल में। और बुरहानपुर से युवाओं की टीम बहुत ही जोर शोर से जा रही है और वहां जाके कल हम यही मुख्यमंत्री जी के आवास पे उनसे सवाल करेंगे जाके। बुरहानपुर जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदने वाले मरीज की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 अगस्त को दोपहर 4 बजे जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल से एक मरीज कूद गया था। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया था, आज उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान सीहोर के सुल्तानपुरा निवासी रामचरण पिता खुशीलाल के रूप में हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। बुरहानपुर लोनी की शासकीय स्कूल में अंकुर अभियान के तहत कक्षा 3-4 को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित हुआ। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे लोनी की सरकारी स्कूल में अंकुर अभियान के तहत जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी के निर्देश पर कक्षा 3 और 4 में पढ़ने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर मास्टर ट्रेनरों ने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। 4 शिफ्ट में 160 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 27 अगस्त से शुरू हुआ है जो 5 दिन तक चलेगा। आज तीसरे दिन SAPC अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण किया गया। यहाँ पर FLN की ट्रेनिंग चल रही है कक्षा 3 और 4 के लिए। कक्षा 3 और 4 में बहुकक्षा शिक्षण किस प्रकार करवाना है, बैठक व्यवस्था से लेकर उनकी दक्षताओं पर कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार हम शिक्षक संदर्शिका और पाठ्य योजना को लेकर वर्कबुक में कार्य करवाते हैं, इन्हीं पर सारी चर्चा होने पर हम सभी टीचरों को दक्ष कर रहे हैं जिससे वह अपनी कक्षा में जाकर अपने स्कूल का सही से संचालन कर सके। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है और ये 27 से शुरू हुआ है और इसके 3 बैच हैं। 3 बैच में 5-5 दिन दिवसीय कार्यक्रम। देखिए मिशन अंकुर के अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में 3-4 का प्रशिक्षण टीचरों को दिया जा रहा है। इसके पूर्व भी हमने 1-2 का प्रशिक्षण दिया था। मिशन अंकुर में FLN एक नया लॉन्च किया गया सिलेबस है जो मौखिक भाषा और अन्य चीज़ों को सिखाता है ताकि बच्चे उसको अच्छे सीख ले पढ़ ले। इसलिए भोपाल से जो हमारे मास्टर ट्रेनर थे वो यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं जिले के टीचरों को। इसी बात का निरीक्षण करने के लिए आज जिले की टीम तरफ से मैं उपस्थित हूँ। बुरहानपुर के पातोंडा में CMV वायरस से किसानों की केला फसल को नुकसान हुआ है। किसानों ने मुआवजे की कलेक्टर से गुहार लगाई है। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे पातोंडा में किसानों की केला फसल को CM वायरस के नुकसान हुआ है। किसान ओमराज बाविस्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1 दर्जन से अधिक किसानों के खेतों में लगी हुई केले की 3 महीने की फसल को उखाड़ कर फेंका जा रहा है क्योंकि यह फसल वायरस की चपेट में आ गई है जिससे किसानों का नुकसान हुआ है। अब किसानों ने कलेक्टर भव्या मित्तल से वीडियो संदेश के जरिए सर्वे होकर तत्काल मुआवजा मिले ताकि हम दूसरी फसलें लगा सके इसकी मांग की है। बुरहानपुर के नेपानगर में बेटी का जन्म होने पर चौकसे परिवार ने जबरदस्त स्वागत किया।
बिटिया के गृह प्रवेश के पहले आंगन में आतिशबाजी कर ढोल ताशे बजाए गए। घर को मंदिर की तरह सजाया। बिटिया की राह में फूलों की चादर बिछाई गई। ननिहाल के जन्म के कुछ माह बाद बिटिया पिता विजय चौकसी के घर लौटी तो पिता ने हंसी खुशी से स्वागत सत्कार किया। घर की फर्श पर कुमकुम से बिटिया के कदमों के निशान बनाए। घर के मुखिया नरेश चौकसे का कहना है कि यह परिवार की दूसरी बेटी है। जहां बेटे भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य से मिलती है। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। चौकसे परिवार की इस बेटी को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का संकल्प है। बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती है। हमारा परिवार बड़ा ही सौभाग्यशाली है जो मेरे छोटे भाई विजय चौकसे के यहाँ दूसरी बिटिया ने जन्म लिया। बेटी के गृह प्रवेश को यादगार बनाने के लिए हमारे परिवार ने पूरे ही घर को फूलों से सजाया, आतिशबाजी की और ढोल ताशे के साथ बिटिया रानी का गृह प्रवेश कराया। बुरहानपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद द्वारा महापौर को कलेक्टर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर कांग्रेस के पार्षद इस्माइल अंसारी की सदस्यता पार्षद पद की रद्द की जाए। इसके लिए उन्होंने इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह के नाम कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपा है। विधायक अर्चना चिटनिस और भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज माने और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष किरण रायकवार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेगी, इसलिए आज सड़कों पर उतर आई है और महिलाओं के सम्मान में हमने ज्ञापन दिया है, कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। हम बस इतना चाहते हैं कि भारत है ये और भारत में नारी का सम्मान होना चाहिए और माता ही है जो सभी को इस दुनिया में लेकर आई है। और जिस तरीके से अंसारी जी ने उन महापौर जी के ऊपर टिप्पणी करी है वो गलत है और कहीं ना कहीं आयुक्त जी को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप सबको ये जानकारी मिली होगी कि कल बुरहानपुर नगर निगम के परिषद का सम्मेलन था और उक्त सम्मेलन में लगातार तीसरी बार बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद इस्माइल अंसारी जी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और संसदीय व्यवहार करा गया। गरिमा के अनुसार तो उसको कहा ही नहीं जा सकता है और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो भारतीय संसद की उस सूची का जो एक अंग्रेजी शब्द कवर्ड उसका वो हिंदी रूपांतरण। पर कल उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो आज हमने कलेक्टर के माध्यम से कमिश्नर जो है हमारे संभागायुक्त उनको भेजा है और मुझे विश्वास है कि भारत की संसदीय व्यवस्थाओं पर सारी संसदीय संस्थाओं पर इसका निराकरण निश्चित तौर पर ऐसा होगा कि आने वाले समय में कोई इस प्रकार का व्यवहार ना कर सके।